अरे क्या करेगी रे ईडी। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवपाल तिवारी। मैं इसमें राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में हूं। ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है और कांग्रेस से वो प्रत्याशी हैं। आज उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और दाखिल करने के बाद नेहरू स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। नेहरू स्टेडियम गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में भी बना है और बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी सभा है, हजारों की संख्या में लोग पूरे क्षेत्र से यहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों, मैं लक्ष्मणगढ़ में हूं और सभा स्थल पर आप देख रहे हैं यहां पर एक गोलगप्पे का ठेला है और सभी मजा ले रहे हैं। मैं भी ले लेता हूं। ये चीज है चटपटी और गोविंद सिंह डोटासरा की बातें भी होती है चटपटी। जैसे लोग गोलगप्पे का मजा लेते हैं, वैसे गोविंद सिंह डोटासरा की एक एक बात का मजा लेते हैं। मंच पे पहुंचते ही बोला कि रे ईडी आ गया। मतलब अभी कुछ दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी का छापा पड़ा था, काफी चर्चित मामला रहा। देखिए, बहुत सारे युवा यहाँ जो गोलगप्पों का मजा ले रहे हैं, बात करेंगे। क्या नाम आपका? चैन सिंह। चैन सिंह, आप मीटिंग में हैं या ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर? मीटिंग में। मीटिंग में तो क्या कहेंगे जो अभी गोविंद सिंह डोटासरा का यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है? सर, डोटासरा विधायक है और वही जीतेगा हमारे लक्ष्मणगढ़ में। क्या क्या चीज जोरदार लगती है आपको गोविंद सिंह डोटासरा में? क्या उनका कार्य है वो जोर का लगता है हमें। वो जो बातें करते हैं, बोलते हैं, वो कैसा लगता है? वो बढ़िया लगता है। भाषण में मजा आता है? मजा आता है। तो बार इसलिए करेंगे, वो बोलेंगे तभी जाएंगे अंदर। बोलेंगे तभी जाएंगे। देखिए, लोग गोलगप्पे खा रहे हैं और इंतजार करें कि कब गोविंद सिंह डोटासरा बोले। हालांकि आते ही उन्होंने माइक पकड़ दिया था, दो तीन रोचक बातें भी बताई। कुछ और लोगों से बात आगे आए आप। क्या नाम आपका? उसका संदीप चौधरी। संदीप, क्या कहेंगे गोविंद सिंह जी के बारे में? गोविंद सिंह के बारे में यही कहेंगे कि गोविंद सिंह जी यहाँ से 40,000 वोटों से प्लस चुनाव जीत रहे हैं। इनका जो काम करने का रवैया, जो तरीका, ये सबसे बढ़िया रहा है। इन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए भी काफी काम किए और अभी प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए भी ये काफी काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर में काफी काम किए हैं। ये अपना स्टेडियम का निर्माण मानो या नेचर पार्क मानो, ऐसे बहुत से काम किए हैं इन्होंने। इनकी वजह से आज सीकर को संभाग बना दिया गया है, जिससे हमारे को काफी खुशी है। और आप युवा हैं, गोविंद सिंह जी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने पेपर लीक उनके कार्यकाल में, शिक्षा मंत्री काल में, क्या कहेंगे? देखिए, ये पेपर लीक जो मामला है, ये बीजेपी की सरकार में भी काफी हुआ और पेपर लीक हुए तो उनको, जो पेपर लीक करने वाले जो कर्मचारी थे, उनको पकड़ के सजा देने का काम भी इसी सरकार ने किया है, गोविंद सिंह डोटासरा की सरकार ने ही किया है। आप देख रहे हैं बहुत सारे समर्थक यहाँ पर हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मनीष मेला जी। मनीष, क्या कहेंगे आप? खुड़ी के गांव को हूँ मैं जी। 5 साल पहले थोड़ा 1.5 घंटों लाग तो जी, ठीक है। हाँ। आज आयो 20 मिनट आई हवा माई है गाड़ी। अच्छा, रोड के कारण जी जी। पूछ को दे एक ही मेरिया जी। अच्छा, बाको काम हाथ को नहीं, जो काम को नहीं आलो ओए काम है बाको। फोन करे काल बागी रे लीना क्या 3,000 रुपया गाड़ी लिया के पिसार तेल देशू गए। वाह, कौन सा मारा तेल मारा ही गणोई है। आज फ्री में आया, खुद का मनु आया, दिल्लू आया। आप सुने, लोग कह रहे हैं कि हम दिल से यहाँ पर आए हैं, हम अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। और देखिए, यहाँ पर काफी उत्साह, देखिए युवाओं में खासी लोकप्रियता है। यहाँ पर नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं आज गोविंद सिंह डोटासरा के नामांकन के बाद में। अब देख लो, मेरी अजी को नाम ले लियो, अब तो कड़वा है, उल्लो करना पड़ा है।
सभी लोग बैठ जाएं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। अरे भाई सुनो, अगली बार इसके बराबर दूसरा स्टेडियम बढ़ा दूंगा आपके लिए। क्या बात है, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समय आपको सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां के प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने आज नामांकन दर्ज किया है और नामांकन के बाद में बहुत बड़ी रैली आप देख रहे हैं। भारी भीड़ के साथ यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, बड़े बड़े नेता इस समय मंच पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम, जो सीमा आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है और लोग दीवाने हो रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने आते ही मंच पे माइक ले लिया था और सीधा उन्होंने ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर एक तंज कसा था। उसके बाद में लोगों ने खूब तालियां बजाई है। जब डोटासरा यहाँ पर पहुंचे तो लोगों ने दीवानगी दिखाई, जोरदार उनका स्वागत किया। और आदरणीय मेरा हिवड़े से प्यारा लक्ष्मणगढ़ का लोग, मैं 5-7-10 मिनट के मायने मेरी बात कह दूंगा क्योंकि मैं तो बोल तो ही रही हूं भाई। अच्छा एक बात बताओ, ईडी बोलबा के चक्कर में ही तो आ रही है। गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में कोई गलत काम न किया है न करेगा, लेकिन जब बीजेपी के लिए आरएसएस के लिए बोलूं तो ईडी भी आवेगी, सीबीआई भी आवेगी, इनकम टैक्स भी आवेगो। लेकिन मैं थाने एक बात आज कहना चाहूं, रंधावा साहब एबे लोग है जका एक किसान के बेटे ने, एक मास्टर के बेटे ने 2005 के मायने पहली प्रधान बनायो, 2008 में डिलिमिटेशन के बाद में जब जनरल सीट हुई तो गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी टिकट दी। आदरणीय मोरदिया साहब 88 MLA हुआ करता, नारायण सिंह जी, मोरदिया साहब और तमाम कांग्रेस के नेता मन आशीर्वाद दे रहे के बीच में भेजो के कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2008 में तन विधायक को चुनाव लड़नू है। मैं एक ही वादों करियो आज से रंधावा साहब कि मैं आपको मान सम्मान रखूंगा, मेरो हुतो काम करूंगा, आपको नाम रोशन करूंगा और लक्ष्मणगढ़ में विकास की गंगा बहाऊंगा और बी के ऊपर विश्वास कर। और मने अठ्या का लक्ष्मणगढ़ का आदरणीय मतदाता, माता, बहन, युवा, बुजुर्ग सगला आशीर्वाद देर 2008 में एमएलए बनायो। राज आएगो 832 करोड़ को नहर को पानी लाया, ग्रेड बनाया, स्कूल खोली, सड़क बनाई, लेकिन दोबारा जब इलेक्शन आयो तो
तो लक्ष्मणगढ़ के मायने ऐ मेहरिया साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर 88 मेरे सामने चुनाव के मायने हा। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब, आप परख जाने हैं, आप परख जाने के आदमी में की में दम है, कौन साचो है, कौन नकली है, कौन असली है, कौन व्यापारी है, कौन सेवक है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेवानी साहब जानती है। और ए लोग बाग केवल 21 आदमी जीत्या, 163 क्या न कहे दो से माऊ प्रताप सिंह जी, 163 बीजेपी का भेजा, लेकिन अबार्ज को उम्मीदवार है मेहरिया साहब बाने 11,000 से 88 पराजित कर भेजा। और जब लक्ष्मणगढ़ की जनता मोर लगा दी के गोविंद डोटासरा जीत गो और सुभाष जी मेहरिया साहब बीजेपी की टिकट पर हार गा, तो बे बाने एमपी की टिकट कौन दी, एमपी की टिकट नहीं दी। बे आवेदन करियो पारिक साहब कन, मोरदिया साहब कन, नारायण सिंह जी कन, गोविंद डोटासरा जिला अध्यक्ष कन, पायलट साहब कन, गहलोत साहब कन, कि मेरी लाज रखो, बीजेपी में छोड़ दी, बीजेपी मेरा धक्को दे दियो, बीजेपी मेरो अपमान कर दियो, थे मन कांग्रेस ज्वाइन कराओ, मैं कांग्रेस के सागे जिंदगी भरूंगा। और भी टाइम आप भी बात कही कि मेरा बाप दादा भी कांग्रेस में हा, मेरा ताऊ रामदेव सिंह जी भी कांग्रेस में हा, मेरे में कांग्रेस को खून है, मन कांग्रेस में ले लियो। और कांग्रेस पार्टी दया करी, कांग्रेस का नेता दया करी, और सुभाष जी मेहरिया साहब ने कांग्रेस की लोकसभा की टिकट देबा को काम करियो। आप भाई जनता है जिकी बा के लिए कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर मेहरिया साहब ने वोट दिया। परिणाम 25 का 25 अच्छा कोनी आया, गोविंद डोटासरा को काई दोष, कांग्रेस को काई दोष, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप है, मैं क्यों भी करियो। मैं अब गाने और दूसरी बार जब एमएलए बने हो तो रंधावा साहब इन लक्ष्मणगढ़ की जनता ने बीजेपी का नेता विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी, वसुंधरा राजे जी, आ किसाना का, नौजवाना का, महिलाओं का, बेरोजगारा का मुद्दा उठाबा के लिए राजस्थान में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो दियो। और वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो जब दियो तो मैं लक्ष्मणगढ़ में मेरो सम्मान करियो। और मैं एक ही बात कही कि वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो गोविंद डोटासरा ने नहीं है, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने है, जगह लक्ष्मणगढ़ से मन जितार भेजो है, कहो को नहीं कहो बताओ। और तीसरी बार जब मैं था के बीच में आयो तो हर बच्चे बच्चे की जुबान पर ही कि गोविंद डोटासरा श्रेष्ठ विधायक राजस्थान को लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा वोटा से जीतर जावे, 22,000 वोटा से जिताबा को काम आ लक्ष्मणगढ़ की जनता करो साहब। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेरो तो एक वोट है, थे लोगों के कारण से मैं राजस्थान की विधानसभा में गयो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ही बात उठती कि गोविंद डोटासरा जीतेगो तो राजस्थान को मंत्री बनेगो, कांग्रेस की सरकार आवेगी। मंत्री बने हो साहब, मैं मंत्री बने हो लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से, मैं वकील बने हो मेरे माँ बाप की मेहनत के कारण से, बाकी आशीर्वाद से। लेकिन अगर गोविंद डोटासरा एक मास्टर को बेटो अगर शिक्षा मंत्री बने हो तो आज लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब जिसने खून पसीने से इस गोविंद डोटासरा को सींचने का काम किया है। गोविंद डोटासरा जब मौको मिलो राज आयो, सीकर ने संभाग बनायो, लक्ष्मणगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनायो, नेछवा ग्राम पंचायत ने SDM बनाई, जिग्नेश मेवानी जी है जो बराबर में पार्क दिखता है ना, 14 करोड़ से नेचर पार्क बन रहा है, 3.5 करोड़ से ये स्टेडियम बन रहा है, यहाँ बदबू होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ के ऊपर मरे हुए पशु पड़े रहते थे, लोग जब जाते थे इधर से तो अपनी रूमाल नाक के ऊपर ढक करके जाते थे। भाई साहब ये 35-35 साल राजनीति करके चले गए मेहरिया जी एंड कंपनी, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ। और भाई साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ खुले मंच के माध्यम से कि इसकी चार दीवारी मैंने ठीक कराई, लेकिन पहले मेहरिया जी के कोटे से बनी थी, लेकिन मेहरिया जी के 10 लाख रुपए लेने में लक्ष्मणगढ़ के लोगों को कितने लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी ये लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है। आप समझ सकते हो कि कौन सच्चा कौन झूठा,
मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि एक जिंदगी में एक रुपए का कभी रिश्वत नहीं ली, किसी ठेकेदार से पैसे नहीं लिए, किसी थानेदार से पैसे नहीं लिए, किसी तहसीलदार से पैसे नहीं लिए, किसी की जेब की तरफ नहीं देखा, लोगों की आंख में आंख मिला करके गोविंद डोटासरा ने इस लक्ष्मणगढ़ की सेवा की है साहब। 1800 करोड़ रुपया, क्या न कहे 1800 करोड़ रुपया, आने गिनती को नहीं आवे, बीजेपी आना ने गिनती नहीं आवेगी। और मैं एक बात कह सकूं साहब, भारतीय जनता पार्टी को जब बीच में 2013 से 2018 शासन हो, मैं विधायक हो, पूरे जिले के मायने 1800 करोड़ रुपया को नहीं लागेड़ा, जगह अब काला गोविंद डोटासरा आकी मेहरबानी से विधायक बनने के बाद में पूरे लक्ष्मणगढ़ में लगा दिया। आज भाई लोग बाग मैंने चैलेंज करे, मैंने चैलेंज नहीं करे साहब, बे थाकी ईमानदारी ने चैलेंज करे, थे जो बोर्ड देर मैंने आशीर्वाद दियो बिन चैलेंज करे, बे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक विधानसभा क्षेत्र में जिले को अस्पताल साहब सीकर संभाग सपने में नहीं सोचो, आज नेछवा ग्राम पंचायत के ऊपर SDM बैठे, तहसीलदार बैठे, पंचायत समिति को BDO बैठे, बैंक के तकलीफ भी बात की है रंधावा साहब, ये बात की कोनी के गोविंद डोटासरा 88 चुनाव क्यों लड़े, अगर मैं 1800 करोड़ को विकास नहीं करतो, मैं थाके दिला पर राज नहीं करतो, मैं थाको आशीर्वाद लेर काम नहीं करतो, तो भाई साहब न तो ED आती और न नौटंकी होती, न नाटक होता, की के लिए मैं की के लिए करया। आज जब तो राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी और RSS के खिलाफ मुखर क्यों हूं साहब, मैंने कोई मेरा पिताजी वसीयत में थोड़ी लिखर देर गया कि तू आके खिलाफ बोल जे, ED के बोल जे, RSS के बोल जे। और मैं एक बात कहना चाहूं साहब, RSS है ना लक्ष्मणगढ़ की RSS 90% गोविंद डोटासरा ने तीनों वारा वोट देवे साहब, दिल से प्यार करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं कि विचारधारा की बात है कि RSS देश ने बांटबा को काम करे, कांग्रेस शक्ति सुकोमा ने जोड़बा को काम करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं, ये लोग विचारधारा की बात नहीं करे, एक विजन दियो साहब। मैं 10 पहल गणे नामांकन सभा में 18 में मैं आके मैं 10 काम करूंगा, मैं साहब आके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाता ही सरकार बनता ही 10 का 10 12 में नाम वचन पूरा कर दिया, जगह में नेचर पार्क भी हो, मंडी भी ही, कॉलेज भी ही, स्टेडियम भी हो, पानी की व्यवस्था भी ही, सारा का सारा कर दिया। लेकिन आज की परिस्थिति है, बाके मायने गोविंद डोटासरा के घर ही तरीके का षड्यंत्र है, अस्त्र शस्त्र है, जगह भारतीय जनता पार्टी का है, क्यों भेजा जा रहा साहब, क्योंकि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में मजबूत है, कांग्रेस की विचारधारा ने झंडो उठाए कांग्रेस को और पूरे राजस्थान में BJP और RSS के खिलाफ बेल है। अगर मैं एक बात पूछबो चाहूं, BJP के लोगों ने ठे बहुत गालियां दी, मन काल अति गालियां दी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि जका काल जता भी नेता, चाहे भाई राठौड़ साहब हुए, चाहे भाई मैरिया साहब हुए, चाहे कोई दूसरा साहब हुए, भगवान अन सद्बुद्धि दे, अन आपको विजन पेश करना चाहे साहब, आना कहनी चाहिए कि लक्ष्मणगढ़ में जो डोटासरो काम करियो वो कोनी मेतो रत्तो कर देंगा। एक बताओ, जुमला बोलर चला गया, झूठ बोलर चला गया, गाड़ काटर चला गया, एक गाड़ मन नहीं काटी साहब, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने काटी यार, 25 तारीख नहीं को जवाब दे देगी। भाई मेरे लिए कहवे कि नाथी को बाड़ो, नाथी को बाड़ो, मेरे घर ने बतावे, मैं गर्व से कहूं मेरो घर नाथी बाई को बाड़ो है। नाथी बाई एक बाल अवस्था के मायने ब्राह्मण की बेटी की बहु बन रही, बाल अवस्था के मायने भी को पति चले गयो, बा विधवा के रूप के मायने पूरे समाज की, पूरे गांव की, आस पड़ोस के लोगों की सेवा करी और पूरे जिंदगी भर कदे भी कोई साहब को नहीं बूझे और बस सेवा करती करती आपको नाम अमर करगी। अगर भी विधवा ब्राह्मण महिला जकी नाथी भाई जकी लोगों की सेवा करती करती, आपकी तपस्या करती करती पूरो जीवन लोगों की सेवा के लिए बितायो, अगर भी घर ने पे लोग नाथी को बाड़ो मन्ने बतावे, तो इससे बड़ो सौभाग्य मेरो कोई हो नहीं सके। दूसरी बात,
कह लक्ष्मणगढ़ को नाम बर्बाद कर दियो। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करवा से नाम बदनाम हुए, कॉलेज खोलवा से नाम बदनाम हुए, नेचर पार्क खोलवा से नाम बदनाम हुए, सगले मास्टर ने ढिठीडे लिया दिया इसे नाम बदनाम हुए, ओपीएस लागू करा दी भी से नाम बदनाम हुए, नेचुए में एसडीएम तहसील खुलवा दी, उपजिला अस्पताल खुलवा दियो नाम बदनाम हुए, स्कूल में 615 कमरा कर दिया, 100 स्कूल कर्मोन्नत कर दी इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम हुए। के बात का भाषण दिया भाई बहन, के बात का भाषण दिया? अरे मैरिया साहब, नाम आपने बदनाम कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, नाम आपने बदनाम कर दिया। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर सिलेंडर, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, एक भाई बीजेपी, एक भाई निर्दलीय। क्या तमाशा लगा रखा है भाई, इससे नाम ऊंचा हो रहा है क्या? कोई नहीं आ के कोई नहीं आ के तेरो ठिकानो कहीं है जाके, आज को तो ओ है, काल को काल जाने। तो नाम बदनाम भी से वह गोविंद डोटासरा आपके ठीडे था कि सेवा करे भी से नाम बदनाम हुए साहब। एक एक रुपया, ये हिंदू की ही मुस्लिम की बात करते हैं ना, मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब, 28 करोड़ रुपए मंदिरों में लगाए सरकार के, एक रुपया जिंदगी में कभी नहीं लगता था। ये गोविंद डोटासरा है, अशोक गहलोत की मेहरबानी रही कि 28 करोड़ रुपए मंदिरों में गुगा जी हो, करणी माता हो, बालाजी हो, गणेश जी हो, जो हो, ये क्या बात हुई? इससे बदनाम हो गए? 100 स्कूलें बन गई, कॉलेजें बन गई, 1100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई साहब इस लक्ष्मणगढ़ में। सुभाष मेहरिया अगर घूमने लगे मेरे बनाई हुई सड़कों में तो उसको 6 महीने लगेंगे साहब, 6 महीने। ये 4 महीने पहले आकर के टी 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 लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान खरीदना चाहते हैं ये लोग। ये लोग भूल रहे हैं कि ये नाथ जी की पवित्र भूमि है, ये सैनिकों की, जवानों की, किसानों की भूमि है। यहां मैरिया साहब खरीदा नहीं जाता, यहां दिलों पर राज करना पड़ता है और गोविंद डोटासरा कर रहा है। खरीद नहीं सकते साहब, इनको खरीद नहीं सकते। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज फार्म भरा है, मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पूरे सम्मानित मंच को और आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर गोविंद डोटासरा आज के बाद में, वोट पड़ने के बाद में भी आए तो 44,000 से सुभाष मेहरिया हारेगा, गोविंद डोटासरा जीतेगा। जनता लड़ती है साहब मेरा चुनाव, गोविंद डोटासरा तीनों चुनाव नहीं लड़ा है, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता लड़ती है। ये मां बहने बैठी है ना अपना काम थका के, ये युवा जो जय बोल रहे, आज तो भाई जी ये टेंट ने भी फैल कर दी और ये डी ने भी फैल कर दी। आई डी ई को मतलब ओ ई टेंट ने, डी को मतलब आज की डी बनाई जाए इन, काई करेंगे साहब मेरो काई करेंगा? मेरो शपथ पत्र देखो मेरे कन के माल है, सुभाष जी मेहरिया साहब को शपथ पत्र देखो भी कन के माल है, राठौड़ साहब को शपथ पत्र देखो ऑनलाइन पढ़े के माल है। तो भाई जी मोपड़ी को ठेलो लगायो को नहीं जिंदगी में, तो थारे शपथ पत्र में माल खटाऊ आयो? मैं तो वकील हो साहब, मेरी लुगाई, मेरी घराली मास्टरनी, मेरो बाप मास्टर, मेरी माँ के पेंशन आवे। मैं आप पूछनू चाहूं मेरिया साहब, आ लक्ष्मणगढ़ में व्यापार सजाबा की जरूरत कोनी है, आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है। अगर गोविंद डोटासरा काम करियो है तो भाई जी बैरंग लौटा दियो, पहल के लौटायो जिया को जिया। अगर मैं काम नहीं करियो है तो मैं एक वोट लेबा को अधिकारी नहीं हूं। अब आर रंधावा साहब कह रहा कि थोड़ा कड़क बोले है, भाई साहब कड़क नरम दो ही तो चीज है, दिल से नरम, काम से कड़क। काम कराता हूं मुख्यमंत्री को, इसी जगह ला करके मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी संभाग दे दो सीकर ने, मिले हो कोनी थाने संभाग, काम में कोई कमी रहेगी के?
तो फिर के मांगे भाई, शपथ पत्र देखो सुभाजी मैरिया साहब को, आपका निवास स्थान कहाँ है? धौत। और गोविंद डोटासरा को शपथ पत्र देखो, कृपा राम जी की ढाणी लक्ष्मणगढ़। के मांगे भाई बारी बारी, के मांगे? के बोले, के नहीं बोले। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं बाके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहूं आज, मैं मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहूं। मैंने रावण भी बतायो, मन कंस भी बतायो, मैंने भ्रष्टाचारी भी बतायो, मन पेपर लीक आलो भी बतायो, घमंडी भी बतायो, मैंने के बतायो। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं जस्यो भी हूं, जो भी हूं, थाको बनाएड़ो हूं, थाके लिए हूं। मैं घमंडी नहीं हूं मैरिया साहब, मैं स्वाभिमानी हूं। मैं लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से बनेड़ो हूं, मैं झुककर लक्ष्मणगढ़ की जनता को अपमान नहीं कर सकूं। ये क्या होगा? मैंने एक बात बताओ, राठौड़ साहब लंबा लंबा भाषण ठोकर गया, ठोक्या बाने में एक बात पूछना चाहूं, बोई राजेंद्र जी राठौड़ भी कमेटी में मेंबर हो, जगह में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो लक्ष्मणगढ़ के गोविंद डोटासरा ने दिए? क्या बात कर रहे हो? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, चुनाव आपका है, चुनाव आपके कारण से जीता हुआ हूं, आपका आशीर्वाद होगा वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के आएगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत। भाई जी टेंट में रात ने कहो, मैं क्यों रंधावा साहब, एक मिनट में रंधावा साहब, मैं कहो के साहब टेंट मैरिया जी आलो है बतो ही राख लेंगे, मैं कियो चौगुणो लगाओ बेटी का बापो, रात ने पूरो टेंट लगायो, चौगुणो टेंट लगायो, फिर भी बारे तावड़े के मायने बेचारा मन आशीर्वाद दे बनाया है। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकूं, मैं एक बात करना चाहूं, जिंदगी के मायने चाहे ईडी बुलावे, इनकम टैक्स बुलावे, सीबीआई बुलावे, गोविंद डोटासरा न डरने वाला है न घबराने वाला है। गोविंद डोटासरा डरने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ डर गया, गोविंद डोटासरा घबराने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ घबरा गया। तो लक्ष्मणगढ़ न कभी डरता है, न झुकता है, न घबराता है। नाथ जी के सरदार नाथ जी महाराज को पाठ जोड़े हुए साहब, मैं किताबों के मायने शिक्षा मंत्री हो तो इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम होगोगे है? 1500 करोड़ की पेयजल की योजना आन के पानी, नहर को पानी मीठो गंगा जल मिलेगा, इसे लक्ष्मणगढ़ बदनाम होगोगे? इसलिए मैं एक ही बात करना चाहूँ, हेलीकॉप्टर उड़बाड़ो है, पारिक साहब ने तमाम नेता ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, गेदर साहब ने सब ने धन्यवाद देना चाहूँ, जिग्नेश मेवानी जी ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आप सब ने धन्यवाद देना चाहूँ। आज से चुनाव थाको और 5 साल सेवा को काम गोविंद डोटासरा को, आप सब आया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग जितने भी आए हैं उनका भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। एक बार आराम से निकलने दे भाई, मैं भी आपके बीच में आपके पड़ोस सीकर का हूँ, राजेंद्र पारिक मेरा नाम है, जब ईडी आई तब मैं भी वहीं था। एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक तरफ है वादे वाली सरकार और दूसरी तरफ है गारंटी वाली सरकार। ये गोविंद डोटासरा का गारंटी है कि जो कुछ अपने मुंह से बोला है आज तक किया और आगे भी करेंगे। तो आप तो है गोविंद डोटासरा, गोविंद डोटासरा धन्यवाद, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी बनावट के रसूलों से उसको आ नहीं सकती। दोस्तों लक्ष्मणगढ़ के नेहरू स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति दीवान की लोगों की देखते ही बन रही है। देखिए एक पूरा ग्रुप यहाँ पर लड़कियों का है जो यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मोनिका। मोनिका क्या कहेंगी गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में आप? आपका क्या नाम है? रुचिका चौधरी। हाँ, क्या कहेंगी जो जिस तरह से गोविंद सिंह ने आज यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल किया है? वो तो बहुत
लक्ष्मणगढ़ वालों में दम है। वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए कॉलेज भी बनाया है यहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स और दोनों, और हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था भी की है उन्होंने। आप आइए आइए। क्या नाम आपका? सिमरन। हाँ सिमरन, क्या कहेंगे, गोविंद सिंह जी ने आज अपना प्रसाद अखिल किया, इतनी भीड़ में आप यहाँ पर पहुँचे? उन्होंने हमारे विकास के लिए कई काम किए, जैसे कॉलेज बनवाई है हमारे लिए पढ़ने के लिए, और भी लक्ष्मणगढ़ के काफी सारे कार्य है जो गोविंद सिंह डोटासरा ने करवाए। अच्छा, आगे क्या होना चाहिए, क्या मांग करेंगे? आज उन्होंने प्रसाद अखिल किया, अगर वो जीते तो आप उनसे क्या आशा करते हैं आगे? अगर वो जीतेंगे तो हमारे लिए और भी शिक्षा नीति में बहुत सारे काम करेंगे, और हमारे लिए कॉलेज भी बनाई है, एमए भी लग दिया इस बार हमारे कॉलेज में, और आगे भी बहुत सारे काम करेंगे हमारे लिए। सुन रहे हैं युवाओं की बहुत सारी आशाएं गोविंद सिंह डोटासरा से हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने झंडे भी ले रखे हैं, ये झंडे किस चीज के हैं, कौन से झंडे हैं? एनएसआई के छात्र संगठन है हमारा, एनएसआई के छात्र हैं, एनएसआई के छात्र संगठन है हमारा, उनके हैं एनएसआई की छात्र हैं। आप देख रहे हैं झंडों के साथ पहुंची हैं, और कोई बोलना चाहिए? देखिए इनका उत्साह देखते ही बन रहा है, सभा स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा पर्चा दाखिल करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, और एनएसए की लड़की आप देख रहे हैं काफी उत्साहित नजर आ रही है। दोस्तों आज काफी गर्मी है, गोविंद सिंह डोटासरा जब पर्चा दाखिल कर रहे थे तो बार बार पसीना पहुंच रहे थे, और वो कह रहे थे कि गर्मी है क्योंकि दिवाली के पास का मौसम है, ठंड हल्की हल्की पड़ने लगी है, लेकिन राजनीतिक गर्मी भी गर्मा गई है। आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो है उन्होंने पर्चा दाखिल किया, तो लक्ष्मणगढ़ की राजनीति तो निश्चित रूप से गर्मा गई है। और देखिए यहाँ गन्ने की मशीन लगी हुई है और लोग ठंडा गन्ने का रस पी रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि आज गर्मी है यहाँ पर। तो गर्मी लग रही है सर आप आज? लग रही है। राजनीति वाली लग रही है, मौसम वाली राजनीति लग रही है, मौसम क्या की है। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरह की मीटिंग यहाँ पर हो रही है, 25,000 ऊपर। अच्छा ये बताइए कि क्या अच्छा लगा आपने गोविंद सिंह के पिछले कार्यकाल में, क्या क्या काम हुए? बढ़िया 20 साल में नहीं, आज 5 साल में ही। हाँ, आपका क्या नाम है सर? आज कौन सा काम है? बोझा सर। बोझा सर, तो क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए भाई? हमारा 70 साल में काम को नहीं अड़ो, जो कहोगे 5 साल में काम हुए है, 70 साल की पीढ़ी हमारा काम को नहीं हो, अब 5 साल पीढ़ी हमारा काम हुए है, तो काम में वो जीतते है। ये कह रहे हैं जो काम करवाता है वही जीतता है। और देखिए यहाँ पर ये गन्ने की मशीन चलेगी हुई है, और लोग यहाँ पर गन्ना पीकर गर्मी दूर कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अभी जो गर्मी है वो राजनीति की गर्मी है, और आज गोविंद सिंह के पर्चा दाखिल करने के बाद में गर्मी और आगे आई है। क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह। कहाँ से आप? खुड़ी। खुड़ी जी, तो बताइए कि क्या कहेंगे आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर दिख रहे हैं? माहौल तो आपने भी देख लिया, कल भी देखा था, आज भी देखा है, डबल माहौल है कल से आज। अच्छा, डबल है ही माहौल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। विकास, गोविंद सिंह डोटासरा की सबसे बड़ी खासियत क्या लगती है आपको? विकास। विकास का विकास विकास तो क्या क्या विकास कराया अभी उन्होंने? बाकी कहीं छोड़ी भी नहीं, जो काम बताया उसे डबल काम किया। हाँ देखिए, लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं गिना नहीं रहे, कह रहे हैं कि जो किया उसे डबल अब हुआ है, और अब और क्या चाहते हैं, अगर इस बार वो आते हैं तो आप क्या चाहेंगे और क्या काम होने चाहिए? जैसे हो रहा है वैसे हो जाएगा, अच्छा है। जी, ये तो बिल्कुल रक्षात्मक मूड में है, और गोविंद सिंह ने कहा कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर मैं जीत गया तो इससे बड़ा डबल स्टेडियम और बना दूंगा, ये उनका कमेंट था। एक और व्यक्ति है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्यारेलाल है। आप कहाँ से हैं प्यारेलाल जी? कुमार जाटान। कितना प्यारा लग रहा है आज का माहौल आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, और गोविंद सिंह डोटासरा 20,000 वोटों जीत है। देखिए लोकतंत्र का पर्व है, लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, और काफी जोश में लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं। कल केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भाजपा के थे, उन्होंने बड़ी रैली की थी, बड़ी मीटिंग की, और उसके बाद में आज यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष भारत कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली की, और कह रहे हैं कि उससे डबल भीड़ आज मैंने यहाँ पर जुटाई है। अब कौन सही कोई गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व का उत्साह लक्ष्मणगढ़ में देखते ही बन रहा है।